हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। और अपने टॉपिक के ऊपर जाने से पहले एक सेम वही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट करके सुझाव दें ताकि हम लोग अपने कंटेंट को और भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक्स है वो है व्हाट इज़ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या होता है, ठीक है, मतलब समानांतर परिपथ क्या होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट इन पैरेलल सर्किट। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का जो मान होता है उसको हम समानांतर परिपथ में कैसे निकालें, या फिर जब जो भी अवयव दो या दो से अधिक अवयव पैरेलल सर्किट में जुड़े होते हैं तो हम लोग उसका मान इस सर्किट में कैसे निकालेंगे। दोस्तों, सीरीज सर्किट के लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखे रखा है, ये पैरेलल है, और इसके बाद हम लोग सीरीज पैरेलल मिक्स के लिए भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें है दोस्तों व्हाट इज पैरेलल सर्किट। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, कॉल्ड पैरेलल सर्किट। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल अक्रॉस ऑल कंपोनेंट इन पैरेलल सर्किट। जब दो या दो से अधिक अवयव एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हों तो वो परिपथ समानांतर परिपथ कहलाता है। समानांतर परिपथ में अलग अलग शाखा होने के कारण हर एक शाखा में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है, और वोल्टेज सभी शाखा के लिए एक ही समान होता है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सभी शाखा के लिए एक ही समान होती है, वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होता है, और करंट हर एक शाखा के लिए, हर एक ब्रांचेस के लिए अलग अलग होती है, तो अलग होता है, वोल्टेज सेम रहता है। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में देखा था कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगा उसमें वो, और करंट सेम रहता है सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने लिया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के आप लोगों को दर्शाने का कोशिश किया है, और हम लोग आज चार एग्जाम्पल सेम डायग्राम के ऊपर में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो देखियो दोस्तों, इस डायग्राम को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ मैंने लिखा है आई टी, तो आई टी मतलब टोटल करंट, उसके बाद आई वन, आई टू, आई थ्री। तो ये जो है ना दोस्तों, ये तीनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये तीन ब्रांचेज हो जाते हैं, मतलब यहाँ तो करंट टोटल रहेगा लेकिन आई वन में करंट कुछ और रहेगा, आई टू में रहेगा और आई थ्री में रहेगा। ठीक है, वो तीनों मिला के आई टी में होता है। ठीक है, आई वन, आई टू और थ्री में अलग अलग रहेगा, उसके सर्किट में क्या लगा हुआ है उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने जैसे कि लिख ही दिया है, जैसा हम सभी जानते हैं समानांतर परिपथ में वोल्टेज का मान पूरे परिपथ में सामान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर वन क्या है, आर वन इज इक्वल टू 4 ओम, आर टू क्या है, आर टू इज इक्वल टू 4 ओम एंड आर थ्री इज इक्वल टू 2 ओम। तो दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए समानांतर सर्किट में 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो जब 1/R2 और 1/R3 होता है तो हम लोगों ने देख लिया R1 हमारा 1/4 लिख दिया, प्लस 1/4 R2 हो गया एंड 1/2 हो गया हमारा हमारा इसका R3 का 2 ओम। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने LCM 4 4 2 का नहीं निकाल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है, जो होगा 0.25, 0.25 और 0.5। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम, तो RT इज इक्वल टू फाइनली 1 ओम हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा टोटल रेजिस्टेंस का मान 1 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आप लोग चाहें तो इसमें LCM लगा, LCM निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल्स के ऊपर में। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल्स है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने सेम ही सर्किट लिया है। ठीक है, और इसमें VS जो है कि 220 वोल्ट है, तो दिए गए परिपथ में कुल वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो I1, I2, I3 तथा कुल धारा IT का मान निकाले। ठीक है, तो इसमें फिर से लिखा हूँ मैं दोस्तों, ये बड़े काम की चीज़ है व्यूवर्स, अगर आप इसे पहचान लें। ठीक
ठीक है, तो बड़ा आसानी होता है कि समानांतर सर्किट में वोल्टेज का मान पूरे परिपथ में समान होता है, एक थंब रूल है, ठीक है ना। तो अभी चलिए देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया आसानी के लिए, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी बटे आर, और आर बराबर वी आई, ये सब फॉर्मूला जो भी जरूरत होगा हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को निकालना है आई वन, आई टू, आई थ्री एंड आई टी। तो हम लोग पहले निकालते हैं आई वन। तो आई वन बराबर वही होगा, वी तो सेम ही होता है वोल्टेज सब सर्किट में, तो वी बटे आर वन। तो वी आई मतलब 220 वोल्ट है, बटे आर वन इज इक्वल टू 4 ओम्स है, तो 4 बराबर 5 मतलब 55 एम्पियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेम चलिए हम लोग निकालते हैं आई टू। आई टू बराबर वी बटे आर टू हो जाएगा, तो वी 220 रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान सेम होता है, तो 220 डिवाइडेड बाई 4 55 एम्पियर ठीक होगा। तो आई थ्री निकालते हैं, आई थ्री बराबर वी बटे आर थ्री 220 डिवाइडेड बाई 2 जो आर थ्री का मान है, वे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 एम्पियर। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 110 एम्पियर। तो आई वन इज इक्वल टू 55 एम्पियर, आई टू इज इक्वल टू 55 एम्पियर एंड आई थ्री इज इक्वल टू 110 एम्पियर। सो जो टोटल आई टी हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा 55 प्लस 55 प्लस 110 बराबर 220 एम्पियर हो जाएगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा आंसर, आई वन इज इक्वल टू 55, आई टू इज इक्वल टू 55, आई थ्री इज इक्वल टू 110 एंड आई टी इज इक्वल टू 220 एम्पियर, ठीक है ना दोस्तों। अब तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर, ठीक है, अगले एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लिया है दोस्तों, यहाँ दिए गए परिपथ में कुल करंट आई टी 50, आई वन बराबर 55, ठीक है, आई टी इज इक्वल, आई टू इज इक्वल टू 55 एंड जहाँ आर आर टी का मान 1 ओम हो एंड आई आई मीन आई टी 220 एम्पियर हो, तो उस परिपथ में वी एस का मान निकालें। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इसमें जो टोटल करंट है आई टी इज इक्वल टू टोटल करंट 220 एम्पियर दिया हुआ है, आई वन 55 एम्पियर दिया हुआ है, आई टू 55 एम्पियर दिया हुआ है, आई थ्री नहीं दिया हुआ है। तो हमें यहाँ इसमें जो निकालने वाली चीज़ें हैं उसमें हमने आई थ्री निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। आई थ्री निकालेंगे और उसके बाद वोल्टेज सोर्स निकालेंगे कितना वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आई थ्री निकाल लेते हैं। तो आई थ्री के लिए तो सीधी सी बात है, हमारे पास टोटल जो है आई टी वो 220 है, तो 220 माइनस आई मीन आई टी माइनस आई वन प्लस आई टू, तो आई थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा 220 माइनस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 110 एम्पियर। तो जो आई थ्री है दोस्तों वो हमारा निकल गया है अभी 110 एम्पियर। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को निकालना है V। तो V बराबर दोस्तों आई आर होता है, और V बराबर आई इज इक्वल टू 220 इंटू आर 1 ओम दिया हुआ है, आर टी यहाँ टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 220 वोल्ट हो गया। तो यहाँ दोस्तों फाइनल जो आंसर होगा आई थ्री इज इक्वल टू 110 एम्पियर एंड वोल्टेज जो चाहिए था वो हमें मिल गया 220 वोल्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने सारे इसमें सेम सर्किट में रेजिस्टेंस का मान सेम ही रखा है और करंट का मान सेम ही रखा है, एक एक चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कहीं आपको कोरिलेट करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर में। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों, इसमें एक अलग सा सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें है कि दिए गए परिपथ में आर वन 4 ओम, आर टू 4 और आर थ्री 2 ओम है, तथा करंट 220 एम्पियर हो, तो आई वन, आई टू, आई थ्री और वी एस का मान निकालें, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ देखिए आई टी टोटल करंट दिया हुआ है, आर वन, आर टू, आर थ्री दिया हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है वोल्टेज सोर्स और करंट तीनों शाखाओं का अलग अलग निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ना सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम के लिए सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, तो उसका रिजल्ट आया था 1 ओम, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली ले लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो 1 ओम है, अगर आप लोग ये 1 ओम कैसे आया देखना चाहते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं।
उसके बाद हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम निकल गया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता है हमारा कि V बराबर IR होता है, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है। तो V बराबर IR होता है, तो V बराबर I हम लोगों को दिया हुआ है 220 इनटू आर, टोटल रेजिस्टेंस 1 दिया है बराबर 220 वोल्ट। V हमें निकल गया दोस्तों, V पता चल गया हमें कि टोटल VS यानी V वो हो गया हमारा 220 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा 1 ओम। तो अभी I1 I2 I3 निकालते हैं। तो I1 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वोल्टेज तो पैरेलल सर्किट में सेम होता है, V बटे डिवाइडेड बाई R1 करेंगे। तो 220 वोल्ट है हमारा V एंड डिवाइडेड बाई R1 कितना है, 4 है। तो 4 करने से हमें दोस्तों ये मिल जाएगा 55 एम्पिया। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 55 एम्पिया। ठीक है दोस्तों, फिर चलेंगे I2 इज इक्वल टू V बटे R2। तो V तो हमेशा सेम होता है 220 डिवाइडेड बाई 4, तो ये भी 55 एम्पियर हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे I3 के लिए, I3 में आप देखेंगे V बटे R3 है, तो 220 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ 110 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों को RT जो कि टोटल रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम है, वोल्टेज सोर्स जो कि टोटल वोल्टेज सोर्स है इस सर्किट का वो 220 वोल्ट है, I1 जो कि ब्रांच 1 सर्किट का करंट का मान है 55 एम्पियर है, I2 जो कि ब्रांच 2 सर्किट का है वो 55 एम्पियर है, और I3 इज इक्वल टू जो ब्रांच तीसरे और लास्ट ब्रांच का करंट है वो 110 एम्पियर है। तो ये हुआ दोस्तों हमारे आज का वीडियो। तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, एंड आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को नई और अपडेटेड आने वाली वीडियोस की सारी जानकारियाँ टाइमली मिलती रहे। तो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। जय हिंद।